वेलकम टू दी चैनल एवरीवन। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को प्रॉन पेपर फ्राई की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, इसे श्रिम्प भी बोलते हैं, प्रॉन भी बोलते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। शुरू कर देते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए बनाना है हम लोग को एक सूखा मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है धनिया, जीरा और काली मिर्च। जैसा कि पेपर फ्राई है तो थोड़ा सा काली मिर्च मैंने ज़्यादा लिया है। इन तीनों को मैं एक पैन चढ़ा दूंगी मीडियम हीट पे, और इसे थोड़े देर के लिए भून लेना है। लाइक थोड़ा थोड़ा इसमें से खुशबू आने लगे, भुना भुना सा, 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा जलने जैसा नहीं करना है। भून के इसे और इसे निकाल देना है, और इसे ठंडा करके सूखा ही ग्राइंड कर लेना है, तो एक मसाला तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से, बहुत महीन नहीं चाहिए, थोड़ा क्रस्ट ही रहना चाहिए। उसके बाद मैंने चढ़ा दिया है एक पैन, और उसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। उसके बाद मैं ऑयल को चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद मैं उसमें सबसे पहले डाल रही हूँ 2 लौंग, 2 इलायची, 1 दालचीनी और 2-3 सूखी लाल मिर्च। ये डाल के मैं थोड़ा 2-3 सेकंड के लिए उसे इस तरीके से मिला दूंगी। उसके बाद से मैं इसमें डालूंगी ये करी लीव्स। करी लीव्स से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट बढ़ जाता है, उसे भी मैं मिला दूंगी। फिर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप चॉप्ड अनियन, ये फाइनली चॉप्ड अनियन है, और अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है मीडियम फ्लेम पर। तो मैंने 3 से 4 मिनट तक अनियन को इसी तरीके से भूना था, और जब अनियन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो उसमें हम लोग क्रस्ट किया हुआ जिंजर एंड गार्लिक ऐड कर देंगे। ये क्रस्ट जिंजर और गार्लिक है, और इसे भी अच्छी तरीके से अनियन के साथ मिक्स कर लेंगे, और जिंजर एंड गार्लिक का कच्चा स्मेल जाने तक 2-3 मिनट तक इसे भी भून लेंगे। अब अनियन का कलर चेंज हो चुका है, ये लाइट ब्राउन दिख रहा है, अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ये प्रॉन। इसको मैंने धोकर और इसमें नमक, हल्दी और नींबू का रस डाल कर रख दिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसका फ्लेम मीडियम कर दूंगी। बहुत जल्दी कुक हो जाता है प्रॉन, तो इस बात का ध्यान रखना है, ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये रबरी जैसा हो जाएगा। बीच बीच में चलाते रहना है इसे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और थोड़ा सा भुन जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई स्पाइसेस, जो कि पहले मैंने ग्राइंड करके रख दिया था। अब ड्राई स्पाइस डालने के बाद मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम कर देना है बिल्कुल, और इसे इसी तरीके से कुक करना है 5 से 7 मिनट तक। तो धीरे धीरे इसका कलर अपने आप चेंज हो रहा है, ये भुन जाएगा। तो 5 से 7 मिनट तक इसे कुक करना है और फिर इसे बंद कर देना है। तो हमारा पेपर फ्राई प्रॉन बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखकर ही, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये, और आप इसे एज ए स्टार्टर ज़रूर बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो प्लीज़ इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं मिलूंगी अपने एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।